घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। जेएनयू विवाद के बाद एक बार फिर कथित मीडिया ट्रायल को लेकर उठे सवाल। बड़ा सवाल, क्या वाकई मीडिया में है भटकाव या फिर सच दिखाने के कारण है आरोपों के घेरे में। आज हम करेंगे मीडिया पे मंथन। जो कुछ मीडिया पे आरोप लग रहा है, जो कुछ मीडिया में हो रहा है, जो चीज मीडिया के बारे में इस वक्त चर्चा में है, क्या वाकई मीडिया पे जो आरोप लग रहे हैं, मीडिया ट्रायल को लेके जो बातचीत हो रही है, मीडिया कवरेज को लेके जिस तरह से बातचीत हो रही है, या अलग अलग चाहे फैब्रिकेट करने की, फैब्रिकेटेड वीडियो दिखाने की बात हो रही है, ये भी बात हो रही है कि कौन किस तरह के मुद्दे को रखना चाहिए, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे सवाल हैं जो मीडिया के लिए और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक भी है अगर उसका सही जवाब नहीं ढूंढा जाए। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, अनिल थॉमस साहब हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, थॉमस साहब वैसे कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आज मैंने उनको बुलाया स्पेशली कि आप इस पर चिंतन करें। साथ ही साथ डॉक्टर एस के दत्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और चिंतक भी हैं। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधेश जी आपसे। जो सवाल है मीडिया ट्रायल को लेकर उठ रहा है, मीडिया में कई तरह के, आज मुझे लगता है कि इससे पहले, क्योंकि मीडिया पे इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया पे आप देख लें, मीडिया पे हर वक्त लगातार बार बार दो तरफ लगता है कि एक तरफ किसी के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा आक्रमण कर रहा है, तीसरी तरफ से तीसरा आक्रमण हो रहा है कि यहाँ तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, चौथा आक्रमण हो रहा है कि मुसलमान होने की वजह से मीडिया कर रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच में जो बड़ा सवाल है, चूंकि मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में स्वतंत्र फोर्थ स्टेट के रूप में हमारा व्यवहार जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, क्या वाकई मीडिया इस वक्त पक्षधर है, निष्पक्ष नहीं है? देखिए, मीडिया ट्रायल एक शब्द प्रयोग होता है, वो ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोग अपने अनुसार करते हैं। हम शुरुआत यहाँ से करें कि मीडिया की भूमिका क्या है। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो कुछ घटित होते आप देखते हैं उस सबको उसी रूप में लिखना, बोलना और दिखाना, ये मोटा मोटी हमारी भूमिका है एक पत्रकार के रूप में। अब उसमें अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि हम किस चीज को कितना दिखाते हैं, किस चीज को कितना बोलते हैं, किस पहलू को कितना लिखते हैं, ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। और समस्या यही आती है, जो एक और मीडिया की भूमिका दूसरी आ जाती है, वो आ जाती है कि जो कुछ घटित हो रहा है, जो हम दिखा रहे हैं, उसका फिर अपने अनुसार उसके आगे पीछे के सच को विचार के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये भी एक, यहाँ भी एक समस्या आती है कि फिर वहां पर हमारा विचार हावी होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में जो अभी तक अखबारों में एक बंधन था कि समाचार और विचार में भेद है, समाचार के लिए अलग पेज है, विचार के लिए अलग पेज है, लेकिन टीवी मीडिया के आने के बाद ये समाचार और विचार का भेद एक प्रकार से मिट गया है। समाचार के साथ साथ विचार भी हम देते हैं, वहां से एक पैदा होता है कि अगर कोई किसी के पक्ष का है तो उस पक्ष में देने लगता है, कोई विपक्ष में है तो विपक्ष में देने लगता है, और वो तो कई बार दिखाई देता है जब 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 अनप्रोफेशनल लोग ऐसा काम करते हैं, दिखाई देता है। अनप्रोफेशनल नहीं, ये तो सीरियस एक सवाल है कि नहीं, अभी भी जो जिम्मेवार पत्रकार हैं, अभी भी ये कहना, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी जिम्मेदार पत्रकारों की संख्या है जो कि बिल्कुल तटस्थ भाव से चीजों को देखते, उसके अनुसार बताते हैं और तटस्थ भाव से उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं दिख रही है, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर नहीं उठ रहा है। लेकिन सवाल उठने के कारण कई हैं, ये दोनों मैं एक पहलू बता रहा हूं कि मीडिया की क्या स्थिति। अब सवाल क्यों उठ रहा है, सवाल उठने के तीन बड़े कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण समाज पर मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है, तत्क्षण हो रहा है, एकदम तुरंत हो रहा है। अब उसके मन में त्वरित प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष में व्यक्ति के पैदा होता है। अखबार सुबह आता था, रात में घटना हो रही है, आप दोपहर तक पढ़ रहे हैं, उस समय ये स्थिति भी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था कि आपको आया आप तुरंत लिख दें, आप कहीं फोन कर दें, आप मेल कर दें, तो वो जो नया दौर है वो आया। दूसरा ये है कि हमारे देश में राजनीतिक विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब राजनीतिक दलों को छोड़ दिए तब भी राजनीतिक विभाजन इतना तीखा बढ़ा है कि पार्टी में न होते हुए भी लोगों के अंदर एक पार्टी के पक्ष और विपक्ष में एक एक तीखा विभाजन है। तो उसमें जब किसी को लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है तो वो ज्यादा नहीं सोचते हैं लोग, वो इस पर विचार नहीं करते हैं कि इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है, ये खिलाफ जा रहा है इसलिए हमला करो।
खासकर संघ परिवार में तीन आपने कारण बताए, और बता भी मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन उपेंद्र जी, जो विश्लेषण अवधेश जी कर रहे हैं कि क्या भूमिका है और क्या कारण है, किससे कितना आप सहमत है या आप इसमें क्या एडिशन करना चाहते हैं? उनकी बातें हैं सही है अपनी जगह पर जी, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो पत्रकार हैं जी, उनका जो स्टैंडर्ड है वो गिर गया पहली बात है। और जो पत्रकार जो मीडिया में अभी हैं, पता नहीं इतने सारे स्कूल्स खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, पहले कोई इंस्टीट्यूट स्कूल नहीं होता था, इक्का दुक्का होता था, अब इतने सारे खुल गए और क्या उसमें पढ़ करके क्या आते हैं। दूसरा है कि जो सोशल कमिटमेंट जो पत्रकारों का है वो खत्म हो चुका है। पहले जो पत्रकार आते थे कमिटमेंट को लेकर के आते थे, अब है कि वो कमिटमेंट सोशल कमिटमेंट होता था। अभी भी कुछ कमिटमेंट होता है अलग किस्म का, लेकिन उसको आप सोशल कमिटमेंट नहीं कर सकते, उसको आप एक नेशनल कमिटमेंट भी कभी कभी अपने को बहुत नेशनलिस्ट के रूप में पेश करते हैं, लेकिन वो नेशनल कमिटमेंट नहीं होता है। तो पत्रकारों का जो स्टैंडर्ड गिरा है, हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह थे 1992 में वो कहा करते थे 91 में कि 100 में से 80% जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता करने के लायक नहीं है। लेकिन अब हमको लगता है कि वो उस समय 20% तो थे भी, लेकिन अब है जो कि हमें लगता है 95% ऐसे हैं जो पत्रकारिता करने के लायक नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे का जो हेड जो बन गए हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, 95% से आते हैं वैसे लोग हो गए हैं। फिर है कि वो अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो एक टोटल हुआ है। और दूसरा है कि जो मीडिया मैन की जो पत्रकारों का जो पतन हुआ है उसका एक कारण और है, वो है कि पहले जो इकोनॉमी हमारी थी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें सरकार पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा भूमिका थी, उसमें पॉलिटिशियंस हैं वो पत्रकारों से ज़्यादा संबंध रखता था, मालिकों से ज़्यादा संबंध नहीं रखता था। अब सीधे उसका संबंध हो जाता है मालिकों के साथ, तो उसके कारण और है कि पत्रकारों की स्थिति बहुत लेवल पर फॉल्स हो जाती है। हमें याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे एक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया इस्टेब्लिशमेंट है, उसके मालिक ने चाहा था मिलना के लिए, तो उसके नहीं मिलने के तैयार, एडिटर ने कहा कि भाई एडिटर से कहा कि मिलवा दो, एडिटर को तो टाइम दिया, एडिटर के साथ मालिक भी चले गए, लेकिन 2.5 घंटे तक बैठाए रखा, मालिक से बात नहीं की राजीव गांधी ने, पत्रकार ही 2.5 घंटे तक बैठे रहे लेकिन उसके मालिक से नहीं बात की। तो एक वो था, ये 1990 के जस्ट के बाद पहले की स्थिति है। और अभी ये जो स्थिति हो गई है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उसके जो मालिक हैं उसका सीधे जो कॉन्टैक्ट हो गया है, उसके कारण एक इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म की जो स्थिति आ गई है, तो उस क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसका शिकार ये मीडिया नहीं, बट मीडिया में हो गया। जो इस वक्त जो चीजें हो रही है, जो कुछ डॉक्टर दत्ता, जो कुछ हो रहा है इस वक्त मीडिया को लेके, जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों गंभीर हैं? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, मीडिया को लेके जो सवाल है कि आप सच को नहीं दिखा रहे हैं, सच, और सच अगर नहीं हो तो ये बेहद खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है वो दो चीज के, ट्रायल के साथ साथ सच को लेके भी है। बेशक कहीं ना कहीं पे सच को लेके एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, और उसके साथ साथ हर मुद्दे पे जिस हिसाब से मीडिया पूरा अपना जरूरत से ज्यादा रोल अदा करना शुरू कर देती है, और जिसके जरूरत से ज्यादा रोल का मतलब क्या है आपका? आ रहा हूँ उसी पे विस्तार से ही आ रहा हूँ। जरूरत से जो रोल का मतलब ये है कि जिसको हम लोग ट्रायल कहते हैं, मीडिया ट्रायल बेशक हो रहा है, और मीडिया ट्रायल के चलते ही हमारे प्रजातंत्र के जो अलग अलग स्तंभ हैं वो कहीं ना कहीं पे सटीक निर्णय करने से दब जाते हैं या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो राजनीतिक स्तंभ हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर पुलिसिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो एक खतरनाक स्थिति मैं समझता हूँ कि पैदा होता है। पश्चिम के मीडिया के साथ मैं इसका उदाहरण करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पश्चिम में जब कोई भी बड़ा सा मसला अगर आता है जो नेशनल इशू या फिर नेशनल इथोस के साथ या फिर नेशनल इंटीग्रिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे बेशक आपके कोई भी विचारधारा के मीडिया क्यों ना हो, वो लोग लामबंद हो जाते हैं राष्ट्रीयता के नाम पे। पर भारत में दुर्भाग्यपूर्ण टीआरपी के चक्कर में और कंज्यूमरिज्म का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कॉर्पोरेट जगत का मीडिया के ऊपर, वो राष्ट्रीय हित जो है वो राष्ट्रीय हित कहाँ पे ख़त्म हो जाता है और किस हिसाब से लांग जाता है मीडिया,
और उसको अपने मार्केटिंग के चलते, ओवर मार्केटिंग के चलते, जिस हिसाब से जो राष्ट्रीय हित के मुताबिक जिस तरह की कवरेज होनी चाहिए या फिर जिस हिसाब से कवरेज करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे मीडिया भूल जाती है। मुंबई पे जब हादसा हुआ था, आतंकवादी हादसा, उस दौरान की कवरेज अगर आप उठा के देखेंगे या फिर संसद के हादसे की कवरेज भी उठा के देखेंगे, या अभी का जो कुछ हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे और उसका जो एक पैन इंडिया रेमिफिकेशन जो हुआ है, 26/11 में जो मीडिया कवरेज था या पार्लियामेंट अटैक के समय जो मीडिया कवरेज था, उसमें और आज में बहुत फर्क नहीं, फर्क बेशक है, पर फर्क उस समय हमने इस तरह के सवाल नहीं सुने थे कि मीडिया फैब्रिकेट कर रही है, मीडिया ट्रायल कर रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है पार्लियामेंट, हमने नहीं सुना था उस समय। मीडिया उस दौरान भी ओवरबोर्ड गई थी, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय वहाँ डिविजन नहीं दिख रहा था, वहाँ सवाल नहीं उठ रहे थे, राष्ट्रीय सिक्योरिटी का जहाँ मसला था वहाँ पे मीडिया हैड गॉन ओवरबोर्ड, जिस तरह के कवरेज नहीं दिखानी चाहिए थे, जिसके चलते सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया था और सिक्योरिटी के मैकेनिज्म फेल हो गया था काफी सारी चीजों पे, वो उस तरह के जो ओवरबोर्डिंग थी मीडिया की, वो भी उचित नहीं था राष्ट्रीय हित के मुताबिक। वो तो और आज एक आप कह रहे हैं कि मीडिया ने अपनी सीमा को उसी समय लांग गई थी, लेकिन आज तो प्रमाणिकता पे, सच्चाई पे, आज कहीं ना कहीं पे उस सीमा को इतना लांग गई है मीडिया की, आज वो चीज का एक एक्सट्रीम रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं। आपके पास लौटता हूं दत्ता साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें कमर्शियल, लेकिन ब्रेक के बाद अनिल थॉमस साहब से जानते हैं कि क्या वाकई मीडिया ट्रायल जो कह रहे हैं कि यहां मीडिया ट्रायल हो रहा है, और जो कह रहे थे कारण ओवरबोर्ड जाना, सीमा को लांघना, लेकिन उसके कई और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, सबसे बड़ा सवाल जो सबसे अहम है, क्या सच्चाई के रास्ते पर है मीडिया, सच दिखाती है या वाकई फैब्रिकेट करके झूठ फैला रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और इसी के कारण यहाँ पे एक वर्टिकल जो डिवीजन देख रहे हैं, जो सवाल करने वाले, आक्रमण करने वाले लोग हैं जो हर जगह आज सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल के बारे में छोटे से ब्रेक के बाद अनिल थॉमस साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया, सच और सवाल कई उठ रहे हैं, खास करके सच्चाई दिखाने को लेके, सच्चाई पर को लगातार मीडिया में जो लोग हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी एक चिंता का विषय है। राजनीतिक दल से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, अनिल थॉमस साहब। मीडिया को लेके आज जो सवाल उठ रहे हैं, खास करके जेएनयू विवाद के बाद कवरेज को लेके सवाल उठे, फैब्रिकेशन को लेके सवाल उठे, निष्पक्षता को लेके, पक्षधर होने को लेके सवाल उठे, नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, देशभक्ति को लेके सवाल उठे, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये तमाम सवाल के जर में आज जो लोग देख रहे हैं बोलते मीडिया के कारण ये सब कुछ हो रहा है, मीडिया ये सब कुछ कर रहा है, मीडिया जो है पक्षधर है। इस बात के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो मीडिया को मैं जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो हिस्सों में मैं देखता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रभाव है वो जनता के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो समाज का आईना है, तो समाज के आईने वाले रोल से हट करके मीडिया आज की तारीख में जनमत बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। और दूसरा, अभी अवधेश जी ने भी अपनी बात में कही, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बहुत सारा इसका एक बड़ा कारण ये भी होगा कि अब जितने भी मीडिया हैं उनको कॉर्पोरेट हाउसेस ने कंट्रोल किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एंगल भी उसमें जुड़ा हुआ है। और जिस भी स्टेट में आप, जैसे पटना में कोई घटना हुई, दिल्ली में भी वैसी घटना हुई, दिल्ली में भी पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, पटना में भी जैन टीवी के पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हम पत्रकार फैटर्निटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में उसके विरोध में पत्रकारों ने मार्च निकाला, लेकिन वैसा मार्च पटना में नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ है कि मीडिया में भी एक आपसी
एक तालमेल की कमी है, और एक ही न्यूज को, जैसे एक घटना को अगर हम चार चैनल में देखते हैं तो चार वर्जन आते हैं। आज जेएनयू का जो मैटर है, उस पूरे मैटर में एक चैनल चला रहा है कि उसने ये भाषण दिया, दूसरे चैनल ये कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है। आज उसकी वजह से क्या हुआ है, एक मीडिया ट्रायल चालू हो गया। जिस शख्स को अगर कल सबूतों के अभाव पे उसको रिहाई मिलती है या सबूतों के अभाव पे उसको छोड़ा जाता है, तो जिसने ये सबसे पहले खबर चलाई, जिस भी मीडिया ने, कि उसने देशद्रोह का भाषण दिया या देश विरोधी नारे लगाए, क्या उसके ऊपर भी कोर्ट सीओ मोटो लेगी, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? लेकिन ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आज कम से कम मीडिया को इस एक जो जनता की जो भावना है उसका एहसास हुआ, उन्होंने भी एक आत्मचिंतन एवं एक आत्ममंथन की प्रक्रिया जो है चालू की। जी अवधेश जी, दो सवाल है। आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, दत्ता साहब कह रहे हैं यहाँ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल है जो खतरनाक भी है। तो मीडिया ट्रायल जब भी होगा तो उससे चीजें प्रभावित होती है, जो फेयर ट्रायल है वो प्रभावित होती है, जो जस्टिस है वो प्रभावित होता है, ये कह रहे हैं, और भारतीय मीडिया में कुछ ज्यादा हो रहा है ये। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है या होता है, ये ट्रायल शब्द हमने बनाया है। देखिए, पहली बात तो सोचिए कि ये इस समय जो विचार उठा है भाव, वो जेएनयू की घटना से लेकर तात्कालिक रूप से, ऐसे पहले भी प्रश्न उठ रहे हैं, जेएनयू के जो दिखाने का और जो विश्लेषण है उस पर प्रश्न खड़ा हुआ है। जो वामपंथी छात्र संगठन है वो ज्यादातर टेलीविजन को बायस्ड, दुराग्रह से प्रेरित, वो मीडिया ट्रायल के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको बिका हुआ बता रहे हैं। उसी ओर एक दूसरा वर्ग है जो 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 एक मीडिया में, जो ज्यादातर मीडिया का समर्थन भी कर रहा है, तो लोगों में भी इस पर विभाजन है, और ये होगा जो आप ये होगा। एक घटना मेरा सवाल है कि जेएनयू की घटना में को लेके मीडिया में इस तरह से डिवीजन, या मीडिया दो तरह के लोग उसको क्यों प्रेजेंट, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, दे आर सेक्रेट, नहीं फैक्ट्स तो फैक्ट है, लेकिन उसको आप उसमें विचार किसी का हो सकता है, लेकिन तथ्य के साथ छेड़छाड़ करना, सच्चाई के साथ छेड़छाड़ करना, और वो खबर बने फिर कि एक एक्स चैनल ने या एक्स अखबार ने या एक्स पत्रकार ने किसी को किसी चीज को असत्य दिखाया जो ट्रुथ नहीं है, वो एक बड़ा सवाल है। नहीं, आप पहले प्रश्न किया है कि फैब्रिकेट करके झूठ फैलाती है क्या मीडिया, आपके प्रश्न में शामिल था जो आपने अनिल थॉमस जी से किया है। देखिए, हमारे, मैं इसको दो बिंदु से बताना चाह रहा हूं कि पत्रकार भी मनुष्य है, वो भी भारत देश का नागरिक है, उसके अंदर भी जैसे आम आदमी के अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं घटनाओं को देख के, बयानों को देख के, उसके अंदर भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। विचार व्यक्त करिए ना, जिसका जिसका प्रशिक्षण एक पत्रकार के रूप में थोड़ा बेहतर हुआ है, वो उस स्थिति में संयम बरतता है, और फिर उसमें भी वो देखता है कि हमको कितना दिखाना और बोलना चाहिए, लेकिन जिसका उस रूप में नहीं है, वो समर्थन और पक्ष और विपक्ष में वो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा होगा। उसमें जो उपेंद्र जी कह रहे थे कि पत्रकार के स्तर में गिरावट, सरोकार में गिरावट, लोग नौकरी करने आ रहे हैं, उनके अंदर वो सरोकार नहीं होगा, पक्ष और विपक्ष में बटेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें मीडिया के बारे में अतिवाद से भी ग्रस्त होते हैं। जैसे एक सज्जन ने लगाया कि हमारे बेटे, ये तो इसलिए है कि ये मुसलमान के कारण कर रहे हैं, कम से कम फैब्रिकेशन भी अगर कुछ है तो किसी एक आदमी को मुसलमान होने के कारण निशाना नहीं बनाया गया है, पहली बात। दूसरा है कि आप अपने सोर्सेस पर निर्भर करते हैं दिलीप जी, आपके सोर्स ने आपके पास एक सीडी पहुंचाई जिस पर आपको विश्वास है कि हमारा जो स्रोत है वो सही है, आपने उसको उस पर विश्वास करके चलाया, मे बी दैट इज फैब्रिकेटेड। तो ये कठिनाई सोर्सेस के कारण भी है, क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं है कि आप हर जगह खड़े रहे, हर जगह उपस्थित रहे, आपके पास चीजें कई जगह कई स्रोतों से पहुंचती हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सब कुछ मिला करके अगर हमारा भाव यह है कि हम सत्य के उपासक है, हमको देश और समाज के सरोकार से हमको पत्रकारिता करनी है, सबसे पहले सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, तो ये दो चीज जब हो जाएगी तो उसमें बिल्कुल सच्चाई और निष्पक्षता, प्रामाणिकता उसमें होगी। वो अगर कोई स्रोत से खबर आएगा तो हो सकता है कुछ देर रोके, उसको जांच करने की कोशिश करे और तब दिखाए, आज तो इतना भी समय नहीं है। आज तो ये है कि कोई घटना अगर अभी अभी किसी ने उंगली पर लगा दिया, भले चोट नहीं लगा हो तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगा कि हाँ ये फलाने अनिल थॉमस की उंगली पर चोट लगी है।
तो जो ये अंध दौर आपने बना दिया है ब्रेकिंग न्यूज लोगों से आगे निकलने का, वो एक बड़ी समस्या हमारे बीच में खड़ी हो गई है। तो और इसमें सुनिए, नहीं है इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज में अगर आप डालते हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती है यहाँ पे थ्रू। अगर आप देखें जो जो सवाल उठ रहे हैं वो आपने कोई एक तथ्य गलत चला दिया उस पर नहीं है, सवाल है कि किसी एक घटना के को आपने उसके सच्चाई को उसके तथ्य को आपने नहीं दिखाया, आपने एक नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं कि नहीं, आप नहीं मानते, सवाल तो उपेंद्र जी ही उठ रहे हैं ना, नहीं उठ रहे हैं लेकिन तथ्य भी लोग दिखा रहे हैं, सब कुछ दोनों पक्ष दिखाया जा रहा है। दो पक्ष कैसे हो सकता है तथ्य का? नहीं तथ्य विचार अलग अलग हो सकते हैं, तथ्य के दो पक्ष कैसे हो सकते हैं? तथ्य भी जो है तथ्य का बड़े, अगर एक टेलीविजन एक तथ्य दिखा रहा है दूसरा कह रहा है कि ये फैब्रिकेटेड है, तो ये मीडिया के अंदर भी एक दूसरे के प्रति चल रहा है ना। उपेंद्र जी भैया काफी समय, उपेंद्र जी आपको लगता है तथ्य के भी विचार तो हो सकते हैं, किसी घटना पे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट रिक्रिएट द होल इवेंट। नहीं एक तथ्य को हम कैसे दिखा रहे हैं दूसरा कैसे दिखा रहा है, तो वहां दिखा कैसे रहे नहीं है, यहाँ आप दिखा क्या रहे हैं उस पे? उपेंद्र जी सही आप बोल रहे हैं, जो तथ्य तो तथ्य है, तथ्य तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता, उसको देखने का तरीका अलग हो सकता है, नजरिया अलग हो सकता है, नजरिया अलग हो सकता है, उस पर विचार अलग हो सकता है, एक ही तथ्य को दिखला करके हो सकता है कि आप दो निष्कर्ष निकालें, लेकिन तथ्य तो एक ही होगा, लेकिन इसमें अगर एक तथ्य है तो उसको हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम उसके वहां तक नहीं पहुंचते। दिक्कत यहाँ और है कि इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेट जो है ज्यादा कर लेते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि हमने एक कंक्लूजन पहले ड्रॉ कर लिया है, फिर उस कंक्लूजन को प्रूफ करने के लिए हम स्टोरी तैयार कर रहे हैं। हमें पता है कि पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, देखो था कि डॉक्टर न्यूज होता था, डॉक्टर रिपोर्ट, डॉक्टर स्टोरी, स्टोरी को डॉक्टर किया जाता था, उस समय खबरें प्लांट की जाती थी। जो अभी भी समस्या आ रही है, हमेशा से रही है पत्रकारों के सामने, ये चुनौती रही है कि जो प्लांटेड खबर है, बहुत सारे लोग नेता होते थे अपनी खबर लिखवा देते थे और अगले रोज उसका खंडन करते थे, मतलब खुद कह के लिखवा लिया कि उन्होंने एक ऐसा ऐसा है, और लिखवाते ही थे खंडन करने के लिए लिखवा कर। तो वो जो समस्याएं थी वो इसमें भी आ गई है, और अब है कि मीडिया का ज्यादा फैलाव हो गया है तो अब ज्यादा दिखाई पड़ रही है, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। पहले मान लिया 10 में से एक स्टोरी डॉक्टर होती थी, 9 फिर भी स्टोरी होती थी, अब है कि देखा जाए कि 10 में से 9 डॉक्टर है, कभी कभी 10 में से 10 डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर स्टोरी है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और उसमें है कि पूरा का पूरा कहिए, ये जो जर्नलिज्म है, एक तरह से आप कहिए कि दिस इज द डेथ ऑफ जर्नलिज्म, ये पत्रकारिता की मौत की घड़ी आ गई है, कि यहाँ पर पत्रकारिता हो ही नहीं रही। आप है जो कि मिशन में लग गए हैं, तो मिशन भी किस तरह का, पत्रकारिता का मिशन नहीं है, कुछ और मिशन में लग गए हैं। तो जो प्रोफेशनलिज्म है, व्यावसायिकता है, वो जो है वो कमजोर पड़ गया है, और अलग किस्म का मिशन है, कोई अपने मिशन पर काम कर रहा है, कोई अखबार या मीडिया है उसके मालिक के मिशन पर काम कर रहा है, कोई किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो उसके मिशन पर काम कर रहा है। तो ये जो मिशनरी पत्रकारिता है, और वो भी परवर्टेड मिशन भी आप कहिए जो काम कर रहा है, तो फिर वो परवर्टेड रूप आ जाता है। आप देखिए ये पूरा जो मामला हुआ कन्हैया कुमार वाले में, इसमें हमेशा कुछ ये दिखला रहा और बोल रहा कि इसे हम इत्तेफाक नहीं रखते। अरे भाई क्यों नहीं इत्तेफाक, जब आप नहीं रखते हैं, अरे इसको हम पुष्टि नहीं करते कि सही है कि गलत है, तो जब आपको पता नहीं कि जो आप दिखला रहे हैं वो सही है गलत, तो फिर दिखला क्यों रहे हैं? तो ये जो कि आप दिखला करके फिर उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो मीडिया है, आप कहिए कि इरिस्पॉन्सिबल मीडिया है, कि आप है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है जो आप दिखला रहे हैं। तो इसीलिए कि अभी एक तो अच्छा है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के कारण ये लोग अगर सारा एक साथ दिखलाते भी हैं तो पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। तो एक अच्छा हो गया कि साथ साथ सोशल मीडिया आ गया, इसके कारण थोड़ा बहुत जो है कि ऐसा नहीं कि कोई एक झूठ को हजार बार कह दीजिए तो सच हो जाए। ये हिटलर के समय में एक कोई फिलोसफर थे उनके बारे में कहा जाता था। तो अभी वो सिचुएशन है कि एक क्योंकि सोशल मीडिया पर सबको अपनी बात कहने की है, और हजार झूठ को का जो बैलून है उसको फोड़ने के लिए एक सच का पिन ही काफी है, तो उसके कारण है कि यहाँ सच पता चलेगा कैसे, सवाल तो ये पता नहीं सोशल मीडिया पे। आपने अभी कहा कि कुछ लोग उसको टारगेटेड होते हैं, उनका कुछ टारगेट होता है, हाँ, सही तो है। जो लोग टारगेट लेके बैठते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग टारगेट लेके मिशनरी बैठेंगे टेलीविजन पे, जो लोग टारगेट लेके अखबार में जाएंगे, तो ऐसे में सच कैसे बाहर आएगा? सब है। देखिए सोशल मीडिया में जो 100% लोग हैं
उसमें 15-20% लोग मिस्टेक। अब ये कैसे, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। नहीं, उसमें 15-20% आप अगर कह रहे हैं कि लोग वहां पे भी टारगेट कर 100% नहीं है मिशनरी उसमें भी, मान लीजिए नहीं, उसमें ही कुछ मिशनरी लोग हैं, कोई अंबेडकर मिशन लेकर के चल रहे हैं, कोई संघ का मिशनरी लेकर चल रहे हैं, कोई किसी रिलीजन का मिशनरी लेकर चल रहे हैं। एक आम व्यक्ति को जिसको आतंकवाद में उसका ही मिशन पे काम कर रहा है, मीडिया की जो भूमिका लोकतंत्र में थी एक आम लोगों के लिए सच को वहां तक पहुंचाना कि उसका चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, चाहे सोसाइटी में कुछ हो रहा है, उसको वहां तक पहुंचाना था। अगर आप मैसेंजर ही गलत मैसेज लेके जा रहा है तो वहां तक सच पहुंचेगा कैसे, सवाल तो ये है। देखिये सच देखिए, बहुत लोग चुन लेंगे सच। हमने कहा ना कि 100 लोग जो सोशल मीडिया में, उसमें 20% ज्यादा मिशनरी नहीं, 80 फिर भी है जो इनका मिशन से मतलब नहीं, तो वो देखते हैं उनको अपने हिसाब से पसंद जो आया उसमें पहचान लिया, और बाकी जो मिशनरी है उसको तो आप कुछ कह दीजिए, तो अपने मिशन से नहीं चलते हैं, लेकिन भी एक भूमिका है उस अलग 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 तरह की बातें आ जाती है सोशल मीडिया। डॉक्टर दत्ता, दिलीप जी मेरा यहाँ पे मानना है कि आज के डेट में जो हो रहा है वो मार्केटिज्म के चलते, क्योंकि मार्केट इतना हावी हो गया है उसके चलते कहीं ना कहीं पे पहले ही कंक्लूशन। आर वी सिंपलीफाइंग इट, इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं कि ये मार्केटिंग के कारण हो रहा है, कुछ रेवेन्यू के कारण हो रहा है, क्या वाकई ये कारण है, या हम इसको सिंपलीफाई करके देख रहे हैं कि नहीं मार्केटिंग के कारण है, पीआर भी दूसरा कारण है इसलिए कुछ कर रहे हैं। मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा जड़ है इस पूरे चीज का, और मार्केट इकोनॉमी के चलते और मार्केटिंग के चलते इतना ज्यादा होड़ लगा हुआ है मीडिया के, दुनिया के यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, कई ऐसे मुल्क हैं। मैं डॉक्टर दत्ता साहब, चूंकि आप खुद विशेषज्ञ हैं, जानते हैं, तब कई ऐसे देश हैं जहां मार्केट इकोनॉमी है और आपसे ज्यादा बेहतर ओपन मार्केट इकोनॉमी है, वहां पे यू कैन नॉट सैक्रिफाइस द ट्रुथ। मैं उस पे आ रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय मीडिया और पश्चिम के मीडिया के बीच में जो अंतर है उसको समझना बहुत आवश्यक है। ओपन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम विदेश में भारत से कई गुना ज्यादा हावी है, पर फिर भी वहां पे इस तरह का मार्केट फोर्सेस हावी इसलिए नहीं हो पाता है मीडिया के ऊपर या फिर मीडिया के रिपोर्टर्स के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। आपकी आइडियोलॉजी कहाँ तक आपको लेके जाती है रिपोर्टिंग पे और किस हद तक लेके जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पश्चिम के मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं पे एक कंसेंसस है कि सारे चीजें तब तक जाहिर से जब तक देश के हित में हो, देश के विरोध में जब चीजें होती हैं वहां तो पे वो तरह, नहीं दिखाएंगे देश के विरोध में, वहां पे जिस तरह के वार ऑन टेररिज्म को लेके ही आप ले लीजिएगा ना, अमेरिका में आप देखो ना, अमेरिका में जो वहां पे लामबंद हो रखे हुए वार में, उसको भी लामबंद दिखाए थे, लामबंद हो जाते हैं जहां राष्ट्रीयता की बात आती है, चाहे वो अलग अलग तरह की मीडिया क्यों ना हो, उनकी बेशक अलग आइडियोलॉजी हो, पर जब नेशनल इश्यूज की जब बात आती है तो there is a consensus। अमेरिका में वो consensus दिखाई देता है, ब्रिटेन में वो consensus दिखाई देता है, फ्रांस में दिखाई देता है, दुर्भाग्यपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे तो जेएनयू वाला इशू पे, दिलीप जी जेएनयू वाला इशू पे मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ है कि मुझे कुछ, जैसे मैं देख रहा था अलग अलग चैनल के एनालिसिस, कुछ चैनल के एनालिसिस से तो मुझे लग रहा था कि शायद वो लोग सीडिशन के जो मामला है उसको कहीं ना कहीं पे तूल दे रहे हैं, और शायद वो लोग फोर्सेस के हाथों में। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक से पहले बात करते हैं डॉक्टर दत्ता साहब, डू यू लाइक टू कंक्लूड दैट पॉइंट? यस, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट। मैं कह रहा था कि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपकी आइडियोलॉजी कहां तक आपको रिपोर्टिंग में इन्फ्लुएंस करती है और कहां तक लेके जाती है। दुर्भाग्य आइडियोलॉजी तो सच को बाहर लाना है, नहीं सच को बाहर लाना वो एक तत्व होता है, और सच को किस हिसाब से दिखाना है, नहीं सच को आप किस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं वो भी तो नजरिया पर्सपेक्टिव, आप उसमें विश्लेषण कर सकते हैं, अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं खबरों के, वो भी खबर को महत्वपूर्ण होता है। कुछ अखबार है, कुछ चैनल है, उस सच को जिस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं उस पर लगता है कि भारत तो भारत है ही नहीं,
यही तो सवाल है की काम आज कर रहे ये स्थिति 68 साल के बाद भारत में भारतीय लोकतंत्र में जहां मीडिया की भूमिका अब तक स्वतंत्र मानी जाती रही है रही भी है लार्जली मीडिया की भूमिका एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की भूमिका देश में रही लेकिन आज जो कठोर सवाल उठ रहे हैं और गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग चैनल अलग अखबार अलग पत्रकार तमाम चीजों ऐसा लगता है कि उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हैं कॉमन इंटरेस्ट जो है जर्नलिज्म का कॉमन इंटरेस्ट जो मीडिया का है कॉमन ऑब्जेक्टिव जो मीडिया का है वो कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आया अवधेश जी। देखिए पत्रकारिता के बारे में गांधी जी ने 1909 में ही लिखा था ब्रिटिश पत्रकारिता को लेकर क्योंकि उनसे प्रश्न किया गया था कि संसदीय लोकतंत्र बहुत बेहतर प्रणाली है और इसमें जनता अपने मन से जो है वोट डालती है। गांधी जी ने उसमें लिखा है कि जनमत का निर्माण कौन करता है अखबार करते हैं। उस समय की बात कर रहा हूं एक अखबार एक नेता का आज पक्ष लेता है और दूसरे दिन दूसरे नेता का पक्ष लेता है। जब यह स्थिति है तो जनमत बनेगा कैसे ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज से कम से 107 वर्ष पहले उनका विश्लेषण था पत्रकारिता के बारे में और गांधी जी पहले पत्रकार थे बाद में नेता बने हैं तो उन्होंने साफ साफ वो तो एक बार कहते हैं कि भारत की पत्रकारिता मुझे एक दिन के लिए डिक्टेटर बना दिया जाए उनका भाषण जून 1948 का है तो मैं भारत के सारे अखबारों को बंद कर दूंगा और अखबारों के लिए वो कमर्शियलाइजेशन का विरोध करते थे। तो ये कहना कि पत्रकारिता आज ही ऐसी हो गई है और पहले बहुत मान्य थी इससे मैं सहमत नहीं होता हूं लेकिन हाँ पिछले 10-12-15 सालों में जो गिरावट देखने को मिल रही है जो भयावहता है जो विश्वसनीयता का संकट है जो आरोप है वो पहले इस स्तर पर नहीं लगते थे। ये बात सच है जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता के कारण समाज में किसी घटना को लेकर के उसका साफ अस्पष्टता होने की बजाय संभ्रम ज्यादा बढ़ता है। हमारा काम स्पष्टता है हम कई बार संभ्रम ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे बीच टीआरपी की ऐसी हो रहा है कि हर थर्सडे को 10 बजे जो है मैनेजिंग एडिटर एडिटर मालिक सब देखता है किसका टीआरपी कितना बढ़ा और किस कार्यक्रम ने कितना टीआरपी दिया है एक एक कार्यक्रम को लोग देखते हैं फिर बोलते हैं क्या गलती इस बार ऐसे कार्यक्रम दिखाओ कि इसमें टीआरपी आएगा। तो जब पत्रकारिता करते हुए टीआरपी लेना और टीआरपी के लिए पत्रकारिता करना दोनों में अंतर आ जाता है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी के लिए ज्यादा पत्रकारिता कर रही है। आप इसलिए खुशकिस्मत हैं कि आप टीआरपी से बाहर रहते हैं नहीं तो यह बहस भी कराना मुश्किल होता। तो जब इस मान्यता हो जाएगी केवल सामान का हमको बेचना है तो उसमें हमको केवल बस बाकी सच्चाई झूठ कुछ नहीं हम अपने झूठ फैला करके विज्ञापन देके जैसे सामान बेचते हैं उसी प्रकार से हमको टीआरपी ज्यादा से ज्यादा पैदा करना है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं कि बाजार और कॉरपोरेट के होते हुए हर समय यह दबाव रहता है। जेएनयू की घटना को लेकर के मैं नहीं मानता हूं कि किसी मालिक का दबाव होगा किसी पत्रकार पर कि तुम इसको ऐसे दिखाओ। यह पत्रकारिता की अपनी गिरावट है पत्रकारिता की अपनी समझ है। चौथी बात जो मैं कहूंगा जो आप बार बार कह रहे हैं कि तथ्य तो तथ्य है न्यूज को कैसे आप दिखाएंगे जब न्यूज और व्यूज में अंतर मिट गया है इस समय समाचार और विचार के बीच का जो एक एक, एक जो सीमा रेखा थी वो टूट गई है तो न्यूज भी अब इस समय विचार के रूप में दिखाया जा रहा है। क्लियर कर देता हूं लेकिन न्यूज भी विचार के रूप में दिखाया जा रहा है। सवाल क्लियर कर रहा हूं। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए वो नारे कन्हैया ने लगाए या किसी और ने लगाए हमारे पास अगर वो तस्वीर होती या तथ्य होता तो हम कह सकते थे कि हमारे पास पुख्ता सबूत या तथ्य है कि ये खबर है। इस पे आप विचार करिए कि किसी को बोलने की आजादी है अभिव्यक्ति की आजादी में क्या क्या चीज शामिल है क्यों वो देशभक्ति क्या हमें इस पे क्या हमें रिपोर्टिंग इस तरह से करना चाहिए ये तमाम सवाल या पर्सपेक्टिव आप उस पे दे सकते हैं। लेकिन घटना हुई और उस वहां पे नारे लगे उसको आप फैब्रिकेट करिए रीफैब्रिकेट करिए उसको आप अपने अपने नजरिए से तो देख सकते थे लेकिन तमाम तथ्यों को तो आज जो सवाल उठ रहे हैं आप आधे से ज्यादा मुझे लगता है 90% लोग आज इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि क्या कन्हैया ने वहां नारे लगाए थे लगाए थे नहीं लगाए थे सवाल ये नहीं है आपने उसको कंफ्यूज कर दिया। कुछ लोगों ने दिखाया कि हाँ ये देखिए वो नारे लगा रहे हैं कुछ लोगों ने देखिए ये तो नारे लगाए नहीं था तो ये जो स्थिति है कि आप फैब्रिकेशन करना डॉक्टरी करना या उसको किसी भी कारण से जो भी कारण से तो सवाल वो है कि सच को तो आपने किल कर दिया। नहीं ये मैं आपसे यहाँ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सच तो नहीं दिखा रहा। नहीं मैं इसलिए कि वहां जिस समय भाषण हो रहा था वहां मीडिया की उपस्थिति नहीं थी वहां जो लोग उपस्थित थे केवल जी न्यूज वहां था बाकी सब लोगों ने बाकी वो जो मोबाइल से जो वीडियो बनाए गए उसने भेजा है। मैंने पहले ही कहा
कि आपके सोर्सेस ने आपको दिया है। अब उसके बाद आपके विवेक चैनल के लिए सवाल नहीं उठा रहा, सभी चैनलों के बारे में कह रहा हूं। जो भी जब आप वहां थे ही नहीं, तो आपके पास जो सोर्सेस खबर आएगी, फिर आप जो देख रहे हैं उस पर आपकी जो समझ है, जैसे मैं देख रहा हूं कि वो कह रहा है कि आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, अब वो आजादी कश्मीर की कह रहा है, वो आजादी वो जातिवाद की कह रहा है, वो भुखमरी के लिए कह रहा है, वो जो है सामंती समाप्ति सामंती आजादी चाह रहा है, ये उसमें क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो आप दिखाने से पहले ये तो बताते कि वो ये हमारा दायित्व है कि हमारे पास इतना ही है, इसके आगे पीछे का सच नहीं है कि इसमें क्या बोला गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मीडिया पर भी कुछ, मीडिया जो कुछ भी है, मैं तो कई बार कहता हूं कि जैसे पुराने जमाने में राक्षस माया उत्पन्न करते थे, हम लोगों ने राक्षसों को देखा नहीं है, वैसे आज के जमाने में हम लोग माया पैदा करते हैं जो सच नहीं है, होता है सच नहीं है, वही ये करने के लिए सच नहीं है उसको सच बना के दिखाते हैं, इसके लिए तो हमारी भूमिका नहीं है, और उसी को सच स्थापित कर देते हैं, जो मुद्दे नहीं है उसको मुद्दा बनाते हैं, और देश को समझा देते हैं कि यही मुद्दा है, और देश उस पर चल निकलता है। इसलिए कि हमारे सरोकार खत्म हो गए हैं, जो सामाजिक सरोकार से हम लोग पत्रकारिता में जिस समय आए, दिलीप जी हम और आप सब लोग फर्स्ट क्लास नहीं तो सेकंड क्लास गजेटेड अफसर तो हो सकते थे, लेकिन हम लोग पत्रकारिता में आए देश और समाज के लिए कुछ करने को, लेकिन अब जब रोजगार करने लोग आ रहे हैं, सरोकार खत्म हो गया है, उनको टीआरपी और सर्कुलेशन बढ़ाना है, ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, लोग तो आ जा रहे हैं, देश जी वो मीडिया को लीड नहीं कर रहे हैं, जो कल से 30 साल से 20 साल से बैठे हुए वो लीड कर रहे हैं, दे हैव टू डिसाइड, वहां पे जो लोग जो संपादक है उन्हें निर्णय करना है, जो आज ट्रेनिंग में आ रहे वो निर्णय नहीं करते हैं। संगत से गुण होता है, सुनिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, अनफॉर्चुनेट ऐसे लोग भी जैसे समाज के बीच में आ रहे हैं उस अनुसार बदले हैं। अनिल थॉमस जी इसको अगर कई लोग नहीं, साल में 1 करोड़ का वेतन चाहिए आपको, दिलीप जी आपके बड़े सरोकार रहे हो, लेकिन 1 करोड़ का वेतन चाहिए तो आपको अपने टेलीविजन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिखाना है, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई खबर आ गई तो हम इसकी तथ्य की जांच करें, क्योंकि दूसरा चैनल दिखा देगा, ये मारामारी है। चलिए अनिल थॉमस जी, एक और सवाल आ रहा है कि राजनीतिक दलों ने राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से, या राजनीति से प्रेरित होके कई लोग प्रभावित होके, प्रेरित अगर नहीं भी होके प्रभावित होके कई कारणों से वो इस तरह से चश्मा लेके सत्य को दिखाते हैं। देखिए, इस बात पे कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इससे जरूर से मैं सहमत हूँ। आज की तारीख में जो मेरे को व्यक्तिगत में अपनी बात बता रहा हूँ, जो मेरे को महसूस होता है कि आज की तारीख में जब एक न्यूज़ भी कोई चैनल टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाता है, तो उसको न्यूज़ की तरह नहीं, उसको एक फीचर फिल्म की तरह हम पेश करते हैं, कि हम उस स्टोरी को पहले तैयार करते हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता है कि न्यूज़ की क्लिपिंग चला दो, आप कहते हैं वो स्टोरी कब लगा रहे हो। तो जब न्यूज को हम पहले ही स्टोरी बना देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिर्च मसाला डालते हैं। और जो आज मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसमें कहा ये संघी पत्रकार हैं, ये कांग्रेसी पत्रकार हैं, ये वाम दल के पत्रकार हैं। अब तो ये समझ में नहीं आता पत्रकार है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इनका जो एंगल, ये आपने किया है क्या, वाकई आप लोग करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं किया, लेकिन आज जो दिख रहा है जो मीडिया में, हम लोग कहीं सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या पत्रकारिता और जो मीडिया है वो भी क्या विभिन्न राजनीतिक दलों में बट गया है, ये हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं जो टीआरपी एक जो है टीआरपी, और दूसरा इससे कहा टीआरपी कि आप वाम दल के हैं या कांग्रेस के, उसने उसमें उसका कारण क्या है कि आप वाम दल के या कांग्रेस का नहीं है, जितने भी जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में है, उसका भी इन सब चीजों से एक सीधे तौर पे सरोकार है। जहां पर भी जो शासन में है वर्तमान में भी ये एक नई प्रणाली चालू हुई है कि कॉर्पोरेट जो पत्रकारिता, जो पहले में और अब में एक बड़ा फर्क आया है, पहले चाहे हम मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया देखते, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते थे, किसी भी चीज की जो अति होती है वो अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज है। अब 24 घंटे लगातार न्यूज चल रहा है, उनके पास 24 घंटे एक बताने के लिए हर मिनट में एक नई घटना तो हो नहीं सकती है, तो एक घटना कोई उनको मिल गई तो उन्होंने उस न्यूज का स्टोरी बना दिया, तो वो दिन भर वो स्टोरी चलती है। तो वो एक जो साधारण आदमी है उनके दिमाग में न्यूज को वो लोग एक ओपिनियन व्यूज को न्यूज बना देते, और एक जो समाचार को वो जनमत बना करके वो उनके उनके विचारों में बिल्कुल खून में उनके मिला देते। और अवधेश जी ने जैसा कहा कि हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, और गांधी जी ने भी बहुत सालों पहले कहा कि जनमत बनाएगा कौन, जनमत यही लोग बनाएंगे, लेकिन पहले
इतना अति नहीं होता था, अब ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आता। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, कोई एक तथ्य है, तथ्य तो एक ही होगा ना, हम चार चैनलों में एक ही स्टोरी को देखते या एक ही न्यूज को देखते तो उसमें तथ्य बदल जाता है, हमारे विचार अलग हो सकते लेकिन तथ्य तो एक होना चाहिए। तथ्य को जिस हिसाब से वो मोल्ड करते या जिस तरफ दिशा में ले जाते तो उससे जनता एक ओपिनियन बनाती है कि अच्छा ये फलाने को फायदा पहुंचा रहा है, ये उस पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, तो ये इसका आदमी। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है उपेंद्र जी, ये क्यों परसेप्शन, ये छवि क्यों बन रही है मीडिया में कि ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को, ये वाम दल को, ये लालू जी को, ये जेडीयू को ये फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अब देखिए ये भी इसकी जो शुरुआत होती है ना, ये भी मोटिवेटेड लोग ही करते हैं। मान ले आप अगर बहुत निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो निष्पक्ष आप पत्रकारिता भी किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती है और किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है जी। अब जिनके लिए नुकसानदेह होगी तो आपके ऊपर डब कर देंगे कि भाई इससे फायदा हो रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक तो समस्या है, हमें लगता है इनवर्सल समस्या है, इस तरह की समस्या से छुटकारा नहीं पाया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे हैं पत्रकार जिन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही भी हैं, कुछ तो निष्पक्ष हैं उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे पत्रकार आ गए हैं जैसे कि एक आपका जेएनयू वाला मामला है, तो जेएनयू में जो किया गया, हालांकि मैं वो कहूँगा कि इन्होंने कहा था कि पत्रकारों का काम है, इसे मीडिया मालिक का नहीं होगा हाथ, लेकिन हमें लगता है इसमें मालिकों का हाथ होगा क्योंकि ये उसके द्वारा पूरा जो लेफ्ट मूवमेंट है उसको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही भयानक घटना, यह एक बहुत ही भयानक कोशिश थी कि पूरे वाम आंदोलन को आप राष्ट्र विरोधी आंदोलन के रूप में यानी राष्ट्र विरोधी पेश करें। आप याद कीजिए कि सर्वानंद स्वामी क्या बोला करते थे कि तो नक्सलाइटों का गढ़ है, देश विरोधियों का गढ़ है, तो जो बोलते थे कि देश विरोधियों का गढ़ है वो बोल सकते थे, नहीं वो बोल सकते थे, नजरिया है, ही हैज अ व्यू, साबित करने की कोशिश, तो वो जो ऊपर से नीचे जो होता है तो इसमें उसका हाथ था। और ये जो पत्रकार जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो भी है उसी के टूल्स बने हुए हैं, क्योंकि नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है जो कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है इंडिया का, तो उसमें उनको सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो कि गरीबों के खिलाफ बोलते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं। तो गरीबों की बात अभी भी करने वाले लेफ्टिस्ट ही रहेंगे, भले वो खत्म हो रहे हों तो उनको अभी भी डर लगता है कि कहीं, हालांकि लेफ्ट कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, लेकिन ये लोग दूर की भी सोचते हैं कि फिर कहीं जो चिंगारी अभी है आग न बन जाए। तो जो गरीबों की बात करता कन्हैया कुमार, वो जो शोषित है उसकी बात करता है, तो उसको ये कर दो, क्योंकि अगर पकड़ना ही था तो पकड़ते उनको जो नारा लगा रहे थे, तो पकड़ लिया जेएनयू के प्रेसिडेंट को, कन्हैया अगर जेएनयू का प्रेसिडेंट नहीं होता कि इसके आधार पर पकड़ा गया, सवाल वही है, खबर पुलिस वहां पे नहीं थी या थी, पुलिस थी, जो आधार पे पकड़ी गई, पकड़े गए हैं ये लोग, वो आधार है कि जो खबरें आई है, खबरों को लोग मानते हैं कि सच आप दिखा रहे हैं। यही गलत हुआ ने, जब लड़ाई हो रही थी पुलिस वहां थी जी, दत्ता साहब कुछ कहना, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था स्पॉट पर, अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारा लगा रहा तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और जो लोग पुलिस वहां उपस्थित होकर भी जिन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएनयू वाला मामले पे जिस दिन ये घटना हुआ है वो मारपीट होने के बाद पुलिस आई, पहले वहां पे जिस तरह का भाषणबाजी चल तो रहा था पता उस समय पुलिस, आप जी ने उस समय पुलिस मौजूद नहीं था, उस समय पुलिस मौजूद नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ, बाद में पुलिस आई। जहाँ बात आती है तथ्यों की या फिर सोर्सेस की भी, दिलीप जी सोर्सेस भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है या फिर बदल सकता है। मान लीजिए मसलन अगर मैं किसी कार्यक्रम पे जाता हूँ और मुझे वहां पे इकोनॉमी पे या फिर जेएनयू में घटना होती है, आप उसको बदल नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, वो चार बजे छह मिनट पे अगर देश विरोधी नारे लगाए गए तो नारे लगाए गए, मैं उस चीज पे ही आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइमा फेशी जो एविडेंस है वो एविडेंस के भी अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, ये एविडेंशियल है सारी चीजें। हम वापस आते हैं मीडिया पे, मेरा बहुत कम समय है इसलिए मैं आपसे ये पूछना, आपको लगता है कि अभी मीडिया को लेके जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या करने की जरूरत है, मीडिया को कहां आत्ममंथन करना चाहिए, कहां चिंतन करना चाहिए, कहां से ये चीजें दुरुस्त हो सकती है कि जो लोगों को, क्योंकि मीडिया एकमात्र स्रोत है, चाहे वो कौन सा चैनल है डजंट मैटर, कौन सा अखबार है इसका कोई मतलब नहीं है, कौन सा लोकल है इंटरनेशनल है, बट अगर आप कोई बात कहते हैं तो आप सच दिखाइए, सच बोलिए। बिल्कुल, वो ये जो चिंताएं हैं लोगों की, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं
उनको लेके है कि आप सच तो दिखाइए, ये शुरुआत कैसे करें, इसको कैसे करें। आज पत्रकार कौन खराब है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई है, कौन वामपंथी है, कौन दक्षिणपंथी है, ये सवाल नहीं है। सवाल है मीडिया निष्पक्ष कैसे रहे, मीडिया सच्चाई को कब तक कैसे उजागर करे, मीडिया जो पब्लिक जो सर्विस है लोकतंत्र में जो भूमिका है उस पर कैसे जो भूमिका उस पर कैसे खड़े उतरे। दिलीप जी, इस पे मीडिया के लोगों को ही खुद को ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मीडिया अगर अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानती है तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से बिहेव करे और उस तरह से चले, चाल और चरित्र उस हिसाब से होने की ज़रूरत है। कोई भी घटना अगर होता है, कहीं पर भी होता है, 45 मिनट की अगर वो घटना होती है, उसका अगर आप स्लाइड के हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा करके आप अगर दिखाएंगे, एक चैनल अगर एक टुकड़ा दिखाती है, दूसरे चैनल दूसरा टुकड़ा दिखाती है, तो इंटरप्रिटेशन भी उस हिसाब से होगा और उस एंगल से होगा। यहाँ पे जब ऐसे सेंसिटिव इशू पे जब एक बवाल मचता है या फिर ऐसे सेंसिटिव इशू को लेके जब इस तरह की आपस में कॉन्फ्रंटेशन होती है, मीडिया की आवश्यकता होती है कि निष्पक्ष होके जो सच्चाई है और जो सच चीज है वो दिखाए। उनके पास खुद की सोर्सेस अगर नहीं है तो कहना चाहिए कि हमें ये सोर्सेस इन सब जगहों से मिला है, ये हमारी खुद की सोर्सेस नहीं है, ये रिलायबल सोर्सेस है। रिलायबल सोर्सेस आप अगर कहोगे तो आपकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। आप अगर कहोगे कि वहां के स्टूडेंट ने हमें वीडियो भेजा है तो आपके निष्पक्षता के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। पर वही वीडियो अगर आप कहोगे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने वो वीडियो दिखाया है और उसके मुताबिक ये घटना हुआ और इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से होती है, तब सवाल आपके ऊपर उठ जाता है और आपकी निष्पक्षता के ऊपर उठता है। ठीक है उपेंद्र जी, करेक्शन की जरूरत है। देखिए बिल्कुल करेक्शन की जरूरत है। कैसे होगा, कहां से होगा, कौन शुरुआत करेगा? देखिए शुरुआत तो नहीं करेगा लेकिन समय के अनुसार ये धीरे धीरे हो जाएगा। और सबसे तो बड़ा चीज है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर कुछ मीडिया मैन भी गलत काम कर रहा है तो उसके लिए कानून है, ऐसी बात नहीं है कि उनको जो आजादी मिली हुई है एकदम पूरी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, उन्मुक्तता नहीं मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। और अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी का करेक्टेड असैसिनेशन करते हैं, तभी भी है कि उनके खिलाफ मूव किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस इतना स्लो है तो इसकी जो असली है कि अगर आप चाहते हैं कि मीडिया को ज़्यादा वाइब्रेंट बनाया जाए, ज़्यादा रिलायबल बनाया जाए, तो आप लीगल सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जुडिशियल सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे कि जो मीडिया मैन या जो चैनल या जो अखबार उल्टा जो आपको तो था मीडिया को वॉचडॉग बनाना बनाया गया था। तो अभी तो आपको वॉचडॉग एक चाहिए कि जो मीडिया को वॉच करे। जब तक देखिए लीगल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वैसे ही अफरा तफरी बनी रहेगी और वैसे ही कभी किसी खबर की विश्वसनीयता रहेगी किसी की नहीं रहेगी। और हमें लगता है कि इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, अगर मीडिया कोई मिलजुल करके कोई कंपेन चला रहा हो जो देश घाती हो, राष्ट्र घाती कंपेन चला रहा हो, तो बढ़िया है कि वैसे मीडिया की विश्वसनीयता कम ही रहे, वैसे मीडिया की विश्वसनीयता 100% न रहे, तो ये भी लोकतंत्र के हित में है। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो बढ़िया, आपकी विश्वसनीयता है। अगर गिर रही है तो हमें लगता है कि इंडिया है ना, आपको दत्ता साहब बोल रहे हैं दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ जो हो रहा है मीडिया में जो सजेशन है वो करेक्शन पे आई है, कोई करेक्शन नहीं है। समय के अनुसार सोशल कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे घटेगा आप देखिएगा मीडिया भी वैसे वैसे दुरुस्त हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। एक चीज जानता हूँ, अगर कोबरा अगर है, कोबरा को संतुलित करने के लिए मंगूस की भी जरूरत होती है। यानी कि मीडिया अगर कहीं ना कहीं पे वेनोमस वे में अगर काम कर रही है तो जो दूसरे जो प्रजातंत्र के जो दूसरा हिस्सा है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको भी उसी हिसाब से पैरेलली उस तरह से आप कह रहे कि सरकार के तरफ से संतुलन बना रहे, सरकार के तरफ से और जुडिशियरी की तरफ से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, जुडिशियरी को तो मैं सही बोल रहा हूं, होनी चाहिए ताकि ये संतुलन बना रहे और उससे देश पूरा तहस नहस। से अगर इसका नेक्सस बना दो तो बहुत खतरनाक होगा। एक यूट्यूब के हाथ में मत दीजिए इंडिया कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल करने की पावर। हाँ जुडिशरी की भूमिका हो सकती है लेकिन जुडिशरी तभी अपनी भूमिका निभा सकती है जबकि वो फास्ट हो। जी अवधेश जी, देखिए मीडिया को हम एक समुद्र के द्वीप की तरह नहीं देख सकेंगे समाज से अलग घटा के। आपको राजनीति राजनीतिक सत्ता, अर्थ सत्ता और समाज सत्ता तीनों के साथ मीडिया को देखना पड़ेगा।
राजनीति जब जब केवल राजनीति अगर सत्ता का माध्यम हो गई है, संपत्ति का माध्यम हो गई है, तो वो राजनीति मीडिया का उपयोग अपने अनुसार करती है। अगर राजनीति का सरोकार देश हित और समाज हित है तो फिर उसमें जो उपयोग करेगी तब मीडिया बेहतर रह सकेगी। तो पहली बात तो यहां आती है, पूंजी की सत्ता अपने अनुसार मीडिया का उपयोग करती है। पूंजी की सत्ता का अगर ध्येय हो जाए कि ईमानदारी से हमको व्यापार करना और कमाना है तब जाके ये चीजें होंगी, वो नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है, मैं कह रहा हूं केवल मीडिया को हम निशाना बना दे रहे हैं, समाज के सभी अंगों का पतन हुआ है, उसका शिकार मीडिया भी। मैं यही कह रहा हूं दुरुस्त करने, मैं ये दुरुस्त में जो करेक्टिव, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये व्यापक प्रश्न है इसमें राजनीति। आप जब तक इसका मतलब पहले यहाँ के राजनीति को साफ करिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक करिए, चलेगा। अगर राजनीति करिए, सुनिए ना, बेड न्यूज क्यों चलता है, क्योंकि हम किसी प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं, तो दुरुस्त तो तभी होगा ना, पहली बात। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि इस समय जो प्रशिक्षण है, खास करके आज मैं मानता हूं कि मीडिया प्रशिक्षण के जो विद्यालय हैं उनमें जो पढ़ाए जाते हैं उनमें सरोकार, उनमें समाज के सबसे निचले तबके की आवाज बनने का, उसकी अभिव्यक्ति करने का भाव नहीं है। वहां आपको एक प्रोफेशनल कैसे काम करेंगे, कैसे बेहतर ढंग से टिकोगे, ये होता है। तो वो शुरू से ही वो भाव पैदा नहीं किया गया है। तो ये आज पैकेज महत्वपूर्ण हो गया है, रोजगार को लेकर के जब पत्रकारिता में आएंगे तो इसमें सुधारना कठिन है। तीसरी बात जो होती है कि मालिक नेतृत्व इस समय जो दुरुस्त करने की जरूरत कहां है, क्योंकि मालिक के भी एक अपना स्वार्थ है, वो उसी को नेतृत्व देता है जो उसके स्वार्थ को सर्व कर सके। तो ये कैसे बदलाव होगा, तो मैं ये मानता हूं कि आज की स्थिति में जो ढांचा है उसमें मीडिया में व्यापक बदलाव संभव नहीं है। या तो फिर वो छोटे छोटे आंदोलनकारी का निकले, हमारे आपके जैसे लोग ग्रुप बना करके चीजें निकाले, कुछ दिन चले, वो बंद हो जाए, वो तो संभव है, लेकिन इस ढांचे में मीडिया को दुरुस्त करना मेरी दृष्टि से संभव नहीं है। चलिए लास्ट वर्ड अनिल थॉमस साहब। देखिए, ये तो मीडिया को खुद ही आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मीडिया जो है समाज का आईना है, मैं तो इतना जरूर से कहना चाहूंगा कि समाज का जो आईना, जो अब तक जो मीडिया समाज को दिखा रहा था, जो समाज की भी जो धारणाओं और जो उनकी जो भावनाओं का जो आईना वो जो मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं, मीडिया समूह भी उस आईना को देखे और आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके उस एक इकाई नहीं है मीडिया। लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर दत्ता, उपेंद्र जी, अवधेश जी, अनिल थॉमस साहब। जो एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ एक चैनल ऐसे हो सकते हैं, 831 चैनल इस देश में है जिनको लाइसेंस मिला हुआ, बहुत कम चैनल आपके घर में पहुंचता है, लेकिन कुछ लोगों की अगर कुछ पक्षधर हैं तो ज़्यादातर मीडिया आज भी इस देश में निष्पक्षता से चीज़ों को प्रेजेंट करता है, दिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम खबरों के सच्चाई को आप तक पहुंचाए, सच को आप तक पहुंचाए। लेकिन ये मान लेना कि तमाम पूरी मीडिया ही इस तरह से पक्षधर है, निष्पक्ष नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जहां भटकाव है वहां जरूरी है आत्ममंथन हो, आत्मचिंतन हो, और यहीं से अंदर से ही भाव निकले कि नहीं, हमारी एक भूमिका है, उस भूमिका को लोकतंत्र में हमें मजबूती से निभाना है। फिलहाल आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।